दिया है। आज हम बात कर रहे हैं COVID-19 के कुछ आपके सवालों के जवाब मैं आप देना चाहूँगी। बहुत सारे लोग ये जानकर परेशान हैं या पूछते हैं मुझसे कि इसका वैक्सीन क्यों नहीं बन रहा, इतना टाइम क्यों लग रहा है, या इसकी कोई स्पेशल दवाई क्यों नहीं आ रही। तो इस बात का जवाब हमें देने से पहले हमें ये जानना होगा कि जब भी कोई नई बीमारी आती है उसका क्या पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है, भाई वो हो किससे रही है, वो हो कैसे रही है, वो फैल कैसे रही है। पहले हम इन सब बातों का ध्यान रखते हैं कि वो कैसे हो रही है, कहाँ से हो रही है, क्यों हो रही है। फिर उसका जो भी कारण होता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, फंगाई है, उसको आइसोलेट किया जाता है। उसको उसका सीक्वेंस, उसका डीएनए मटेरियल, मतलब उसकी क्या जेनेटिक हिस्ट्री है, कैसा है वो इम्प्रिंट, आप जेनेटिक इम्प्रिंट कह सकते हो। सो फिर हम उसको जेनेटिक इम्प्रिंट को बनाते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कि इसको कहाँ पे, इस चेन को हम तोड़ सकते हैं कि उसको एंट्री के लेवल पे तोड़ा जाए, या उसको इन्फेक्शन के लेवल पे तोड़ा जाए, या उसको किस लेवल पे तोड़ा जाए। सो इस सारे छोटे छोटे प्रोसेसेस को भी माइन्यूटली समझने में टाइम लगता है। ऐसे ही पेशेंट को नहीं दे सकते, उसके पहले उसके एनिमल स्टडी होती है, फिर उसकी फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 स्टडीज़ होती हैं, जिसमें ये देखा जाता है कि क्या ये दवाई सबसे पहले सेफ तो है, कोई नुकसान तो नहीं कर रही, अगर इसका कोई साइड इफ़ेक्ट है तो क्या वो टॉलरेबल है या नहीं है, और क्या ये वाकई में इफ़ेक्टिव है या नहीं है, और इफ़ेक्टिव है तो किस लेवल की है। और एक फेज़ का ट्रायल कंडक्ट करने में, डिपेंडिंग अपॉन किस पर्टिकुलर चीज़ का हम कर रहे हैं, कुछ हफ्तों से लेके कुछ महीनों तक का टाइम लग सकता है। में और देखने में और समझने में जितने मुश्किल लग रहे हैं, करने में उससे भी ज़्यादा मुश्किल हैं। ये सारा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। एक और सवाल मैं आपका लेना चाहती हूँ यहाँ पे कि हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन के लिए बहुत ज़्यादा मारामारी चल रही है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है और हर कोई खाना चाहता है। इट इज़ एन एक्सपेरिमेंटल मेडिकेशन कि ये शायद इस वायरस के उसमें काम करेगी, और काम करेगी उसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके हैं जिसके लिए ट्रायल हो रहे हैं। 2-3-4 महीने के बाद पता चलेगा कि वो कितनी इफेक्टिव है। तो प्रोफाइलैक्टिक जो ट्रायल हो रहे हैं वो 2 कैटेगरीज में हो रहे हैं। एक तो जो डॉक्टर उन पेशेंट्स का ख्याल रखते हैं जो कोविड पेशेंट्स के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, और दूसरे वो क्लोज फैमिली मेम्बर्स जो पेशेंट के क्लोज कॉन्टैक्ट में हैं, उन्हीं को दिया जाना चाहिए। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन एक बहुत अच्छी दवाई है, सालों से चल रही है, लेकिन ये बिना साइड इफ़ेक्ट की दवाई नहीं है। ये नॉर्मल नमक या पानी जैसी दवाई नहीं है, इसके भी अपने साइड इफ़ेक्ट्स हैं। तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के बिल्कुल मत लें, अननेसेसरीली इसको स्टॉक ना करें, और डॉक्टर की सलाह से ही लें। बहुत सारे साइंटिस्ट, बहुत सारे डॉक्टर लोग इस काम में लगे हुए हैं। आई एम श्योर सक्सेस बहुत जल्दी ही मिलेगी। टिल दैट टाइम हम सिंपल सिंपल चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे हम अपने हाथ साफ रखें, अपने हाथों को मुंह पे, नाक पे, गले पे इधर ना लगाएं। हम खांसते छींकते टाइम एटिकेट्स का ध्यान रखें कि हम किसी दूसरे के फेस पे, के दूसरे के सांस लेने की जगह पे तो नहीं छींक खांस रहे हैं, तो हमें हाथ में ऐसे खांसना या छींकना चाहिए ताकि आपके जो ड्रॉपलेट्स हैं वो इधर उधर नहीं बिखरेंगे। और घर पे रहें, जब भी गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आती है कि लॉकडाउन है, तो वो किसी और के लिए नहीं है, आपके लिए है। आप घर पे रहेंगे, आप लोगों से इधर उधर मिलेंगे नहीं, तो आप स्वस्थ रहेंगे। देखिए, वायरस कभी नहीं चल के जाता है, वायरस तो अपने आप फैलता नहीं, उसके तो पैर लगे नहीं हैं, तो कौन चलता है, हम इंसान चलते हैं। और हमारे साथ में वायरस ने अपने हमारे को अपना व्हीकल समझ रखा, अपनी गाड़ी समझ रखा है, तो वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जंप करता है। अगर हम स्थिर रहेंगे, एक जगह पे रहेंगे, डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, साफ सफाई का ध्यान रखेंगे, तो हम वायरस को इतना मौका ही नहीं देंगे कि वो एक से दूसरे में जाए, और फिर इससे वायरस अपनी नेचुरल डेथ अपने आप मर जाएगा। इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, आप कोविड से स्वस्थ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे। धन्यवाद।